नमस्कार माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज आलू के हलवा, जो कि फास्टिंग आदमी करता है उसमें भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो देखिए चलिए आलू के हलवा बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। हमने 250 ग्राम आलू लिए हैं, 50 ग्राम देसी घी लिए हैं, 150 ग्राम चीनी लिए हैं, 1 गिलास 1 पाव दूध लिए हैं, 4 बड़े छोटे इलायची का पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच 1 चम्मच लिए हैं मेवा, ये काजू और पिस्ता बादाम है, ये थोड़ी सा हमने ले लिए हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ आलू का हलवा। सबसे पहले तो मैं आलू को उबाल लेती हूँ, गैस से ऑन कर देती हूँ। तो फिर पानी डालेंगे, पानी डाल दिए हैं, आलू को हम बॉयल कर लेते हैं, ये हमने बैठा दिया। अभी आलू को मैं उतार दीजिए, अब इसको मैं इसको गैस से निकाल लेती हूँ। मैं आलू को निकाल लेती हूँ, अब इसको छिलका को मैं उतार लेती हूँ। इस सारे आलू के छिलका को उतार लूँगी इसी तरह। इस तरह सारे आलू को मैं खस कर लूँगी इस तरफ। देखिए ये कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा होता है इस तरह खस करके बनाने पर, एकदम बिल्कुल गुट्ठा नहीं रहता है आलू का। ये सारे आलू को हमने खस कर लिया, देखिए कितना बढ़िया ये खस हुआ है। इस तरह खस करने से आलू में गुट्ठा नहीं रहता है। ऐसे मसलके भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने मसलके नहीं बनाई, मैंने इस तरह बनाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया आलू खस हो गया। अब चलती हूँ चूल्हा के पास आलू को मैं अब इसको घी रखी थी मैं, एक घी को डाल दे रही हूँ। घी मेरा गर्म हो गया, अभी जो आलू में खस करके रखी थी इसको मैं डाल देती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, अब मैं इसको चलाऊंगी। तब तक इसको चलाऊंगी मैं पूरी तरह से ब्राउन ना हो जाए। गैस को थोड़ा कम आंच कर देती हूँ, धीमी आंच पे इसको भूनना है। धीमी आंच पे ही भूनना है। ये आलू हो चुका है, अब जो पिसी हुई चीनी मैंने रखी थी इसको मैं डाल रही हूँ, मिला दे रही हूँ। अब इसको चला देती हूँ, देखिए दूध रखी थी इसको मैं डाल देती हूँ। इसको पूरी तरह से इसको पकाना है। इस तरह इसको चलाते रहना है, नहीं तो नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, बिल्कुल इसका टेस्ट खराब हो जाता है। इस तरह चलाते रहना है जब तक ये, तब तक मैं इसको पकाऊंगी कि पूरी तरह से जो दूध डाले हैं चीनी डाले हैं सूख जाए दूध। ये आलू के हलवा बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि घर में ही सारे चीज़ उपलब्ध रहता है। अभी खोया जो रखी थी इसको भी मैं डाल देती हूँ। ये खोया डालने से क्या होता है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आलू का हलवा है, ये खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आलू का हलवा है कि क्या है, ये लगेगा कि बिल्कुल खोया खा रहे हैं हम। ये जो इलायची छोटी इलायची है मैं पाउडर बना के रखी थी इसको भी मैं डाल देती हूँ। ये जो मेवा रखी थी इसको भी मैं मिला देती हूँ। सारे चीज़ को हमने मिला दिया। अब ये देखिए हलवा मेरा तैयार हो गया। इसको 15 मिनट हमने पकाया, इसको 15 मिनट पकाना पड़ता है। ये हलवा तैयार हो गया, मैं गैस को बंद करती हूँ, थोड़े देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ठंडी होने के लिए, तब इसको मैं परोसूँगी। ये गर्मा गर्म आलू के हलवा लीजिए तैयार हो गया। अब ये घर में बनाइए, घर में खाइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।